थाईलैंड सीरीज के 11th एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ट्रैवल करके जा सकते हैं बैंकॉक से पटाया तक। सो सबसे पहला स्टेप, जहां पर भी आप हैं, ईस्टर्न बस टर्मिनल के लिए आपको लेना होगा टुक टुक, जो करीब 300 बाट में मिलेगा, या फिर टैक्सी जो 200 से 300 बाट के बीच में है, या 30 बाट खर्च करके आप बस से भी वहाँ ट्रैवल कर सकते हैं। 128 बाट की टिकट है ईस्टर्न बस टर्मिनल बैंकॉक से पटाया बस टर्मिनल तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये जर्नी। इंडिया बैंकॉक में एक चीज़ कॉमन नजर आएगी आपको, वो है में लिखे हुए नाम और नंबर। लीजिए पहुंच है पटाया बस टर्मिनल। आज है डे 3, टाइम हुआ है 11:30 और ये है 5 मई। देखिए पूरा शहर, कॉर्नेशन सेरेमनी जो सेलिब्रेट हो रही है किंग के लिए, पूरा शहर को इस वक्त डेकोरेट करने के साथ साथ आज एक बड़ा इवेंट है इसी रोड पर जहां हम लोगों का गेस्ट हाउस नाम है रेस्ट इन डॉर्मेट्री के नाम से। इस वक्त जैसे हम लोगों ने कल ब्रेकफास्ट किया था ना फ्री वाला, आज भी है प्लान, मैं जा करके देख के आया। सब बिल्कुल देखिए आज की डिश कुछ इस तरह की है, ये राइस नूडल और जो अंकुरित प्लांट हैं ये वो दिए गए हैं, डाल दिया गया है। थैंक यू। आज मेरे दोनों दोस्त, शायद दो बेचारे नहीं हैं, नॉवेज के मारे भी नहीं है, एंजॉय कर रहे हैं दोनों। I read a big book about India. Okay. I know about Gandhi, Nehru, and Tagore, you know. Rabindranath Tagore. Everything cheap. And Where? Hua Hin. हुआ इनके बारे में सुनते ही हमें जगह अच्छी लगी, हमने नेट पर सर्च किया और इसे अपने लिस्ट में ऐड कर। हुसैन गली रात को कितना चहल पहल और दिन में कितनी शांत। ये तो पूरा बदल गया भाई, लगता है जैसे दो अलग अलग बिजनेस चलते हों, रात को अलग बिजनेस सुबह को अलग बिजनेस, अभी यहाँ सिर्फ रेस्टोरेंट दिख रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है कि हम गली में हैं। होटल ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने 7-11 था बचे वहाँ से बियरली थी और यहाँ पर वो हम लोग डांस कर रहे थे उस शेड के नीचे। अभी यहाँ सिक्योरिटी चेक है और अंदर जाने से रोका गया क्योंकि मैंने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी है। बोले कि चेंज द कलर एंड देन गो। अभी वहाँ से वहाँ खड़े हुए थे तो उनको रोक लिया गया, उन्होंने वहीं पे शर्ट चेंज की और अब दोबारा अंदर जा रहे हैं। तो ब्लैक कलर के कपड़े पहन करके जाना अलाउड नहीं है, इनफैक्ट टॉपलेस जाना भी अलाउड नहीं है। वो लोग जा रहे थे उनको भी रोक लिया, तो उनको बोला कि ऊपर कुछ पहनो, शोल्डर्स आपके रिवील नहीं होने हैं। ओके, एक और ब्लैक में जा रहे हैं, ये भी मज़ेदार है। उसने वहाँ ऊपर वो शोल्डर नहीं दिखना चाहिए ना, तो उसने ऊपर एक टी शर्ट डाल ली है, अभी उसको बोलेगा कि ब्लैक नहीं। अभी ये अच्छा ब्लू जैकेट है ना, जैकेट ऊपर डालेगा। मुझे मैं भी चेंज करने वाला हूँ, सबने ब्लैक पैंट और ब्लू येलो टी शर्ट पहनी हुई है। Let's go now. Good to go. T-shirt भी चेंज कर ली भाई साहब, 2 घंटे लाइन में खड़े होकर के भी आ गए। जब इमिग्रेशन पे पहुँचे तो पूछते कि आपको जाना कहाँ, हमने कहा जी हम तो बस पकड़ने के लिए जा रहे हैं बस स्टॉप तक। तो जैसे कि इधर तो ब्लॉक है, सब बंद है, कोई बस यहाँ पे नहीं आएगी, तो आपको वापस जाना होगा। तो मैं वापस आया यहाँ पर, अब यहाँ से एक पुलिस वाले से बात की है, तो बोलता उधर से निकल गया।
यहाँ से जाने को बोल रहा है, तो आ जाओ चलते हैं। वन वे ट्रैफिक है और अब रॉन्ग साइड में घुस गए हो, सारी गाड़ियाँ सामने से आ रही हैं। चल चल के थक गए तो इसलिए मसाज कराने की याद आई, बॉडी मसाज करवा रहे थे सड़क के किनारे। इट्स सो हॉट नो, हॉट यस। व्हाई व्हाई यू कम फ्रॉम इंडिया? इंडिया नो हॉट, इंडिया इट्स हॉट बट नॉट टू हॉट, नॉट लाइक दिस, सम मोर हॉट। या थाईलैंड बिग हॉट, द थाईलैंड इज वेरी बिग हॉट, यस बिग हॉट, बिग हॉट हियर। इस मसाज के लिए मैंने पे किया 100 baht 30 मिनट्स के लिए। यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं थी, पूरा एरिया ब्लॉक किया गया है और इस ब्लॉकेज की वजह से हम जैसे भाई को भटकना पड़ रहा है। 11 बजे के चेकआउट करके निकले हुए, ये टाइम हो गया। ईस्टर्न बस टर्मिनल जाने के लिए हमने 300 बाट में टुक टुक हायर किया। यहाँ जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं बस सर्विस, जो सिर्फ 30 बाट में आपको ईस्टर्न बस टर्मिनल ड्रॉप कर देगी। ग्रैब टैक्सी का ऑप्शन भी आपके पास है, जो डिमांड एंड सप्लाई के अकॉर्डिंगली 200 से 300 बाट में मिल जाएगी। प्लेटफॉर्म नंबर 78 है, 5 बजे की बस है, सीट नंबर 25, 26, 29। इंडिया बैंकॉक में एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी आपको, वो है ये बाथरूम में लिखे हुए नाम और नंबर। पता नहीं कोई इंडियन आकर के लिख के गया है या फिर यहाँ के लोगों ने लिखा है, पर लिखे तो हैं। चलिए ये नहीं समझ आता जेंट्स टॉयलेट में नंबर आप जो लिखते हो लड़कों के लिए लिखते हो कि लड़कियों के लिए लिखते हो, है ना? पता चले तो बताना कभी। 29, थैंक यू। 5 o'clock जब आप सामान नीचे रखेंगे ना तो उसके लिए स्लिप बनती है, संभाल के रखेगा, स्लिप आप कंडक्टर को देंगे, जो अगेन ड्राइवर भी कंडक्टर का है, ड्राइवर और कंडक्टर दोनों लेडीज हैं, तो ये स्लिप। ये लिखे हैं सीट नंबर बैक साइड पे। सुबह से भटकते हुए 11 बजे से लेके अब तक, अब जाके बस में बैठने को मिला,
हुआ क्या कि हम जिस एरिया में लौटा के रहते ना वो सारा ही ब्लॉक एरिया था, वहाँ गाड़ी कोई टैक्सी कोई और किसी का आया ना लाउड ही नहीं निकले वहाँ से बाहर उस एरिया में जहाँ से ब्लॉक किया गया था। ब्लॉकेज के बाहर आए तो वहाँ से हायर किया हमने या उसके पास से हायर किया ट्रक को, 300 baht में 3 लोगों को उसने पहुँचाया पर 800 baht। तो 3 लोग या 4 लोग होने का फ़ायदा ये रहता है कि आपकी कॉस्ट शेयर हो जाती है, आप इस तरह का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं अकेला होता तो 300 baht खर्च करने का सोचने वाला भी नहीं था। चलो तो 100 baht में मैं पहुँच गया ईस्टर्न बस टर्मिनल, यहाँ से बस की टिकट मिली 128 baht की, तो 128 और 228 baht में आज की यात्रा शुरू हो गई हमारी। 5:05 पे बस निकल चुकी है और अभी जर्नी स्टार्ट। किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर में कंप्लीट करके हम पहुंच चुके हैं पटाया। अभी टाइम है यहां से टैक्सी करके होटल जाने का। ये है वो जगह जिसको वॉशरूम दिखाने के लिए बोला जाता है, इस तरह से बनाया गया है। मेरे ख्याल से 1, 2, 3, 6 सीट को सेक्रीफाइस किया और एक प्रॉपर यूजेबल वॉशरूम अवेलेबल हो गया। लीजिए पहुंच गए हम लोग बस स्टैंड पर। ये है पटाया बस टर्मिनल। एक सैर करना तो बनता है पटाया बस टर्मिनल के, तो मैं चला एक सैर पर आपको दिखाने के लिए कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। टिकट विंडो इस तरफ नजर आ रही है, यहाँ उतरो घूमते फिरते हुए। 7-Eleven है क्या ये भी पता नहीं, पर शॉप है। काफ़ी सारी जगह है जहाँ की टिकट आपको यहाँ से मिल जाएगी, ये टिकट काउंटर की तरह है। यहाँ टैक्सी खड़ी है सामने, मैं उससे एक बार बात करके देखता हूँ। ये है काफ्रिया सॉइ 12 ग्रैब टैक्सी ऑनलाइन 270 baht दिखा रहा था, 300 baht में मैंने यहाँ कर दी और हम निकल पड़े। लीजिए कुछ व्यू है सिटी के आपके सामने। ओज हाउस करके एक जगह दिखी, उसमें जा कर के रूम अवेलेबल था। इनफैक्ट अभी भी अवेलेबल दिखा रहा है booking.com पे, लेकिन एक्चुअल में प्रॉपर्टी फुल है। तो देखिए ऑनलाइन वाले कितने परेशान कर सकते हैं आपको। ऑनलाइन बुकिंग की आप कोशिश कर रहे हो तो बुकिंग में पेमेंट थ्रू नहीं हो रही है, उसको आप बुक नहीं कर सकते। और उसके बाद जब वहाँ जाके बात करते हो कि ये वाला रूम हमें चाहिए, रूम तो अवेलेबल ही नहीं है, तो एक बार फिर से फेलियर। फोर्थ फ्लोर, ओके, फोर रूम नंबर 10, ओके। व्हेन यू गो आउटसाइड यू लीव की, यस, सो व्हेन आई गो आउटसाइड आई लीव द कीज हियर। फाइन, प्लस 972 baht पे करके आज तक का हमारा बैंकॉक का सबसे महंगा होटल यही लग रहा है मेरे को। बैग रखता हूँ पहले, फिर देखते हैं कि यहाँ है क्या अपने लिए। जो लाइट है पंखे हैं वो अपोजिट साइड में, यानी कि हमारे इंडिया में नीचे की तरफ ऑन होते हैं ना, यहाँ पर ऊपर की तरफ ऑन होते हैं। पंखा चल गया है, एसी लगा हुआ है, उम्मीद है जल्दी चल जाएगा। और टीवी है यहाँ पर, पसीने से हाल बुर रहा है, इतनी गर्मी लाइफ में कभी नहीं मिली। इस तरह से एक लंबा दिन ख़त्म हुआ, हम पहुंच चुके हैं पटाया। अगले एपिसोड में मैं आपको दिखाऊंगा पटाया में घूमने के लिए कौन कौन सी जगह है। तो देखिए प्रीकैप।